मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। क्या है इनवाइटिंग ए मंकी। तो पेज नंबर आप 34 ओपन कीजिए। यू कैन सी इन द बुक पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 4, इनवाइटिंग ए मंकी, कि एक मंकी को कैसे इनवाइट आमंत्रित किया जा रहा है। हम इस चैप्टर के बारे पढ़ेंगे। तो लेट्स रीड। आई हैव ऑफन हियर माय पेरेंट्स एडवाइसिंग मी टू बी फ्रेंडली विद ऑल, कि मैंने अक्सर क्या सुना है, अपने पेरेंट्स को क्या कहते हुए सुना है कि हमको सबके साथ किस व्यवहार से रहना चाहिए, फ्रेंडली व्यवहार के, दोस्ताना व्यवहार से रहना चाहिए। दे से दैट इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स वैल्यू आवर फ्रेंडशिप। वो क्या कहते हैं कि जो एनिमल्स जानवर होते हैं और पक्षी होते हैं, वो हमारे इस दोस्ताना मतलब दोस्त की तरह अगर हम उनके साथ रहें तो वो इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है। नो वंडर अ मंकी यूज टू गेट ऑल द अटेंशन फ्रॉम अस समटाइम बैक, कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक बंदर कुछ समय पहले क्या करता था, हम सब का ध्यान आकर्षित करता था। He lived in on a tree in the street. वो कहाँ रहता था, एक गली में एक वृक्ष पर रहता था। He had become our regular visitor twice a day. कि वह दिन में दो बार हमारे नियमित आगंतुक बन गए थे। क्या थे, आगंतुक बन गए थे, आने के लिए, देखने आने के लिए वो बन गए थे। All of us had got quite attached to him. हम सबको भी क्या था, हमके उसके साथ क्या हो गया था, लगाव हो गया था, हम उससे प्रेम करने लगे थे। Means our friend never returned without hospitality from our home. कि वो हमारे घर से किस तरह नहीं जाता था, अतिथि के बिना नहीं जाता था। One winter afternoon I was enjoying the warm sunshine. क्या था, एक सर्दियों की दोपहर मैं क्या कर रही थी, आई वॉज एन्जॉइंग द वार्म सनशाइन, कि मैं क्या कर रही थी, मतलब गर्म धूप का आनंद ले रही थी। आई वॉज सिटिंग ऑन ए फोल्डिंग चेयर इन द कोर्टयार्ड, और मैं कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में फोल्डिंग चेयर, जो तह वाली कुर्सी होती है, उस पर बैठी थी। आई वॉज बिजी ड्रेसिंग माई हेयर, और मैं क्या थी कि अपने बाल संवार बाल को संवारने में व्यस्त थी। In one hand I had a mirror and the comb kept the other hand busy. कि एक हाथ में मेरा दर्पण था और दूसरे हाथ में कंघी में मैं क्या थी, व्यस्त थी। Just then my friend and our daily visitor appeared. और अचानक से क्या होता है कि मेरा friend और जो other visitor थे, जो मतलब विजिटर अंतुक थे, वो हम मतलब वहाँ आए। He usually took his seat on the parapet. वो क्या होते हैं, एक मतलब इत्मीनान से वो अपनी सीट को कहाँ ले जाते हैं, एक पारपेट पे ले जाते हैं। He seemed in quite a playful mood. वो कैसे दिखाई दे रहा था, एक मतलब चंचल मूड में दिखाई दे रहा था। As I saw him, I gestured to say, "Welcome, dear. How are you this afternoon?" जैसा कि मैंने उसे देखा, मैंने इशारे से कहा, "स्वागत है प्रिया, प्रिय, how are you this afternoon?" कि आज दोपहर तुम कैसे हो? In response, the family friend clapped. जवाब में परिवार के दोस्तों ने तालियां बजाई, तालियां बजानी शुरू कर दी। Means तालियां बजा रहे थे वो। Induced himself in chattering and bared his teeth. और क्या था, खुद को बकवास करने के लिए उकसाया और उसको दांतों से काट दिया। Showing him the comb and the mirror. और आईना दिखाते हुए I made a gesture to say, कि मैंने इशारे से कहा, क्या कहा, I am hair dressing at the moment. मैं इस समय क्या हूँ, hair dressing, बाल संवारने वाला हूँ। What about you? आपके बारे में क्या, won't you like to comb your hair as well? क्या तुम कभी करवाना पसंद नहीं करोगे? Mother was not far. माता क्या थी, दूर नहीं थी। She listened to my childish talk with an awful interest.
क्या था? उसने मेरी बात सुलभ बातों को बड़े चाव से सुना, ठीक है? Just to caution me, she said, what mean you? बस मुझे सावधान करने के लिए उसने कहा, आप क्या करेंगे? Before she could complete the monkey was upon me. क्या था? इससे पहले कि वह पूरा कर पाती, बंदर मुझ पर था. He had taken my invitation seriously and snatched the two items from my hand. क्या था? उन्होंने मेरे नियंत्रण को गंभीरता से लिया और मेरे हाथों से दो वस्तुओं को छीन लिया, ठीक है? I cried in panic and asked for help from mother. क्या था? मैं घबराहट से क्या था, रोया और माँ से मदद मांगी. यस, पेज नंबर 36. After the initial shock, I found my comb and mirror gone. क्या था? शुरुआती झटकों के बाद मैंने अपनी कंघी और दर्पण को कहाँ गया, मतलब उसको चला गया, वो देखा. They were with our naughty guest. वो किसके पास थे? हमारे naughty guest के पास थे. He was looking with delight in the mirror like a child. वह एक बच्चे की तरह दर्पण में प्रसन्नता से देख रहा था. Yes, the only relief was that I was not hurt in the encounter. क्या था कि मुझे राहत की बात यह थी कि मुठभेड़ में मुझे चोट नहीं आई. क्या था कि मुझे ऐसा हो गया था कि जो मतलब वो मुठभेड़ हो रही थी उसमें मेरे को क्या है, चोट नहीं आई. मदर वाज आल्सो हैप्पी टू फाइंड मी अनहर्ट. और मेरी माता भी क्या हुई, खुश हुई मुझे मतलब कहीं चोट ना लगी देखकर. शी लेफ्ट मी आफ्टर सम टाइम. उसने मुझे मतलब छोड़ दिया. बट शी डिड नॉट फॉर गेट टू रिमाइंड. परंतु वो मुझे याद दिलाना नहीं भूली. वाई इन्वाइट एनी वन वेन यू हैव नथिंग टू ऑफर. एन इन्विटेशन शुड नॉट बी ओनली फॉर द सेक मीन होता है खातिर, फॉर अ जोक. किसी को भी आमंत्रित क्यों करें, ठीक है? जब आपके पास कुछ भी नहीं है, एक निमंत्रण केवल एक मजाक उड़ाने के लिए नहीं होता, मजाक उड़ाने की खातिर नहीं होता. तो ये आपका चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. तो इसकी कुछ एक्टिविटी है जो कि आप इसे सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.